नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कॉइन बजर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी एक कॉइन कलेक्टर हैं, आप घर बैठे अपने कलेक्शन के लिए वैल्यूएबल रेयर कॉइन्स और नोट मंगवाना चाहते हैं, या आप कलेक्शन करते हैं ब्रिटिश इंडिया के नोट, रिपब्लिक इंडिया के, या फैंसी नंबर के, या एरर जो कैटेगरी के नोट आते हैं वो सारा कलेक्शन करते हैं, तो आपको कॉइन बजर एप्लीकेशन, कॉइन बजर वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे रहा हूं। घर बैठे आप अपने कलेक्शन के लिए यहां से कॉइन्स और नोट मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है रंग मुद्रा प्रदर्शनी। 3 दिन की ये दिल्ली में कॉइन एग्जीबिशन लगाई गई है, 13, 14, 15 नवंबर 2022। तो ये सब सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैं कलेक्शन देख रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर आएगा, आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या? राहुल लोकमन। राहुल इनका नाम है। ये एल्बम लेकर आए हैं। इनके एल्बम में कुछ एरर सिक्के भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डाई शिफ्टिंग हो, कुछ क्वार्टर आना भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कुछ फॉरेन मिंट के सिक्के भी हैं इसमें। ये वाला सिक्का देखें आप, 1 रुपए का, इसमें करीब 50% ऑफ सेंटर है, यानी कि इसको डाई शिफ्टिंग कह सकते हो या ऑफ सेंटर एरर कह सकते हो। तो ये अच्छे एरर होते हैं, ये बड़ा एरर है 50%। और भी कुछ स्मारक सिक्के इनके कलेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये कॉमेमोरेटिव है, इसमें भी डाई शिफ्टिंग आ रहा है, हल्का डाई शिफ्टिंग है, लेकिन करीब 10% के आसपास हो सकता, कह सकते हो इसको आप। बाकी इसमें भी देखो रोटेशन है। ये सिक्का मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखो, नित्य मुद्रा की थीम पर जो 2 रुपए के सिक्के हैं स्टेनलेस स्टील के, पलटने पर देखो इसको कैसा इसमें शिफ्टिंग आ जाता है। तो ये एरर, डाई शिफ्टिंग, रोटेशन, इस तरह के इसमें एल्बम में सिक्के देखने को मिल रहे हैं। ये कटिंग एरर देख सकते हैं, ये देखिए। मिंट से जब सिक्कों की ढलाई की जाती है, सिक्के ढाले जाते हैं, तो इस तरह के कटिंग एरर सिक्के भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा डाई शिफ्टिंग है। ये 5 रुपए का 9 ग्राम वजन का कॉपर निकल का सिक्का है। और ये देखिए, इसको आप 90% तक कह सकते हैं कि 85 या 90% तक ऑफ सेंटर एरर है इसमें। और ऐसे सिक्के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतना बड़ा एरर होने की वजह से सिक्के की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्यान से देख लेंगे बार, देखिए मिंट की तरफ से ऐसे सिक्के बनते हैं। इतना बड़ा एरर है कि समझना मुश्किल है सिक्का किस मिंट से डाला है। जो डिनोमिनेशन 5 होता है वो भी इसमें कटा हुआ है पूरा। तो ऐसे सिक्के कलेक्टेबल होते हैं, 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की कीमत होती है ऐसे सिक्के की। तो ये बहुत बड़े एरर सिक्के हैं। एक बार एग्जीबिशन भी दिखा दीजिए। ये दोस्तों कनॉट प्लेस जंतर मंतर के सामने 3 दिन की एग्जीबिशन लगी है, कन्वेंशन सेंटर है ये। और ये सभी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैं एक एक करके कलेक्शन देखूंगा, और ये ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आपको भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग नॉर्मल कॉमन चिल्लर इकट्ठी कर लेते हैं और वे चाहते हैं कि सिक्के महंगे बिक जाए हमारे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सिक्के महंगे बिकते हैं उनके पीछे एक कारण होता है, एक ठोस वजह होती है। ये सिक्का देखें, इन्होंने लिखा है कॉपर कॉइन, लेकिन ये पता लगाना कि एक्चुअल में कॉपर है, इसका वजन कितना है। वैसे जो कॉपर निकल के हैं वो 9 ग्राम के होते हैं। तो अगर कोई सिक्का ओएमएस है, या वो स्टेनलेस स्टील में बना है या कॉपर में बना है, तो वेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, या तो वेट कम होगा या वेट ज्यादा होगा। तो इसका आपको वेट भी करना पड़ेगा। हाँ, तो कॉपर का सिक्का है तो वेट में 9 ग्राम का सिक्का होना चाहिए अगर कॉपर निकल का है तो। लेकिन अगर कॉपर का बना है तो ओएमएस सिक्के के वेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसको आप एक मिनट पकड़ लो और सिक्के देख लेते हैं। ये देखे दोस्तों, 5 रुपए का SBI का एक म्यूल कॉइन, ध्यान से देखे सिक्के। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का है, 5 रुपए का SBI का। जो कॉपर निकल के सिक्के आए 5 रुपए के SBI के, उसकी रिवर्स डाई का यहां पर इस्तेमाल किया गया। इस तरह के जो SBI के 9 ग्राम वजन के कॉपर निकल के सिक्के आते हैं, जो सेट में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्कुलेशन में बड़े कम देखने को मिले कॉपर निकल के सिक्के। तो ये उसका म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाया था कि इस म्यूल कॉइन की पहचान कैसे करनी है। ये आप लीफ देखेंगे या पत्तियां देखेंगे तो इस म्यूल कॉइन में बाहर की तरफ होती है, जबकि नॉर्मल जो स्टेनलेस स्टील का सिक्का होता है उसमें अंदर की तरफ होती है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो म्यूल कॉइन में हमें देखनी होती है। और ये म्यूल कॉइन बड़ा रेयर है, क्योंकि इस पे कॉपर निकल के डाई की इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे म्यूल कॉइन की जो कीमत है वो करीब 800 से 2000 रुपए के बीच में होती है, डिपेंड करता है कॉइन की कंडीशन कैसी है। अगर ये म्यूल कॉइन बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, ना कोई डेंट ना कोई स्क्रैच, मिंट लस्टर है, तो 2000 तक भी कीमत जाती है।
तो दोस्तों SBI का जो ब्यूल कॉइन आता है स्टेनलेस स्टील में, उसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये जो ब्यूल कॉइन है स्टेनलेस स्टील का, ये सर्कुलेशन से मिलेगा, आम चलन से मिलेगा। तो अगर आपके पास 5 रुपये के काफ़ी सारे स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं जिनमें ऐसे SBI के 5 रुपये के सिक्के भी हैं, तो जो ब्यूल कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी पहचान करना मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, आप अपने सिक्के में भी एक बार चेक करें, हो सकता है वो रेयर सिक्का आपको भी अपने कलेक्शन में मिल जाए। तो देखो, ये है सबसे पहला एक कॉमन सिक्का स्टेनलेस स्टील का SBI का, ये है एक म्यूल सिक्का, और ये है कॉपर निकल का सिक्का SBI का 5 रुपए का, ये देखें। तो अब सबसे पहले हम कॉमन सिक्के को और म्यूल सिक्कों को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स साइड से एक बार दोनों सिक्कों को देखते हैं। तो रिवर्स साइड से अगर हम इसकी पूरी डाई देखेंगे और ये लीफ देखेंगे, ये देखें, तो इस लीफ का जो फेस है बिल्कुल टॉप ऊपर की तरफ देखे तो ये बाहर की तरफ घूमता है, ये देखे। जबकि ये जो कॉमन सिक्का है SBI का, इसमें इन दोनों का जो मुंह है, जो फेस है, वो अंदर की तरफ है, ये देखे। जबकि म्यूल कॉइन में बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो डाई लगी है वो लगी है कॉपर निकल की। जो SBI का स्टील का जो म्यूल कॉइन है, इसके दोनों तरफ कॉपर निकल के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां से तो ये दोनों सिक्के बिल्कुल हो गए हैं अलग। अब इन दोनों स्टीलों को एक बार, सिक्कों को एक बार ओवर साइड से भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या डाई में फर्क दिखता है। ये देखें तो बिल्कुल अलग है, अशोक स्तंभ अलग है, पूरा उभरा हुआ दिखता है, पूरी डाई ही अलग है, ये देखें। अब इन दोनों की डाई एक बार मैच करते हैं ओवर साइड से कॉपर निकल की, तो ये दोनों डाई बिल्कुल सेम है, ये देखें। थोड़ा और अच्छे से देख लें, ये देखें, तो ये दोनों डाई बिल्कुल सेम है और रिवर्स साइड से भी सेम है, स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टेनलेस स्टील के SBI के सिक्के आए कोलकाता मिंट की तरफ से, इस पर जो डाई का इस्तेमाल किया गया वो कॉपर निकल की डाई का इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ, ओवर साइड और रिवर साइड। तो ये बन जाता है एक रेयर स्टील म्यूल कॉइन। अगर आपके पास भी 5 रुपए के SBI के ऐसे काफी सारे सिक्के हैं स्टील के, आप उनमें एक बार जरूर तलाश कीजिए ऐसे म्यूल कॉइन को जो मैंने पहचान बताई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को आप अच्छे से समझ लें और फिर तलाश करें अपने कलेक्शन में उस सिक्के को। अभी जो कॉपर निकल का सिक्का है SBI का, ये सर्कुलेशन में तो आया नहीं था, तो ये तो सेट का सिक्का है, UNC सेट का सिक्का। अब अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है 3000 रुपये तक होती है इस सिक्के की कीमत, कॉपर निकल 5 रुपये SBI का जो सिक्का है ये। और देख लेते हैं कैसे कैसे सिक्के हैं। ये कुछ निकल ब्रास के सिक्के देखने को मिल रहे हैं इसमें, और ये देखो एक्स्ट्रा मेटल, ऐसे सिक्के आपने बहुत बार देखे होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बार साइड में एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है, बहुत सारे ऐसे डबलिंग एरर आ जाते हैं या डबल मिंट मार्क भी आ जाते हैं काफ़ी बार। तो ये देखें एक्स्ट्रा मेटल सिक्के भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छे सिक्के हैं। एक इसमें मैग्नेटिक कॉइन और, मैग्नेटिक कॉइन दिखाइए आप। मैग्नेटिक कॉइन की दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 रुपये की, जिसको चुंबक पकड़ता है, वो प्योरली निकल से बने होते हैं। ये देखें मैग्नेट है किसी के पास आपके? चलो मैग्नेट है किसी पे? ये देखो, ये 2003 का है 2 रुपए का सिक्का, और ये मैग्नेटिक कॉइन का है, ये निकल धातु से बना हुआ सिक्का है। अगर आप 2 रुपए का ऐसा सिक्का देखेंगे, वो कॉपर निकल का होगा, 6 ग्राम वजन का, उसको चुंबक नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर आप मैग्नेट के नजदीक सिक्के को लाओगे तो चुंबक इसको काफी हार्डली पकड़ती है। तो ये मैग्नेटिक कॉइन है, प्योरली निकल धातु से बनते हैं सिक्के, काफी बार मेटल कंपोजिशन कम ज्यादा होने की वजह से ऐसे सिक्के बन जाते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक कॉइन भी काफी वैल्यूएबल होते हैं, 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में ये कीमत रखते हैं, कलेक्टेबल होते हैं काफी। और भी काफी सारे कलेक्शन इनके पास देखने को मिल रहा है। थैंक यू।